36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि अब हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, हुड्डा का कहना है। विदु जी आप हैं क्या फोन लाइन पर? देखिए विरोधियों को तो मौका दे ही दिया गया आप लोगों ने, हालांकि उत्तराखंड में आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि हम तो प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, अग्री करती हूँ, क्योंकि 3 सीएम बदले गए 6 महीने के भीतर, उसके बाद भी बीजेपी जीती विधानसभा चुनाव। लेकिन अब हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस बात के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि सरकार विश्वास खो चुकी थी, उसके चलते बदलाव किया गया के, लेकिन विधानसभा में सरकार हम बनाने वाले हैं। शायद आवाज नहीं मिल जी, बोलिए। ये मेरे मुझसे सवाल है, बिल्कुल आपसे सवाल, एक बार दोहरा दीजिए प्लीज सवाल। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और इसी के चलते विश्वास चूंकि आप लोग खो चुके हैं, इसके चलते इतना बड़ा उलटफेर किया गया है। देखिए मजाक कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज जनता से बहुत दूर हो चुके हैं, जनता की नब्ज नहीं पहचान रहे, राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देख पा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 2 टर्म उनको मुख्यमंत्री पद मिलता रहा, अब वो कब की बात कह रहे हैं, कब कांग्रेस की सरकार बनेगी मुझे नहीं पता। मैं ईश्वर से डरते हुए और जनता जनार्दन का जिसको जो है बोला जाता है जनता को, उस ईश्वर से भी डरते हुए इस बात को कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हवाएं बदल गई हैं, फिजाएं बदल गई हैं, मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक कांग्रेस को इंतजार करना पड़ेगा सत्ता का दरवाजा देखने के लिए। अभी मसा मसा ही तो उनके उनकी पार्टी के समय जो सरकारें रही उनमें कितने गलत काम हुआ करते थे, मसा मसा ही तो हरियाणा की जनता उसको भूलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज का दिन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की इस टिप्पणी पर बहुत ज्यादा अधिक कटु बोलने का नहीं है, मुझे इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के अलावा कुछ नहीं लगता। आज एक तरफा जो लहर है भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, मुझे लगता है कि इनको अगले और उससे अगले चुनाव की अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अमित देखिए चंडीगढ़ में चूंकि बेहद अहम बैठक चल रही है और हम मान के चल रहे हैं कि जिन दिन को मौका मिलने वाला है जल्दी ही उनको फोन आने भी शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से ही है, परिपाटी तो रही है, जिसका जिसकी लॉटरी खुलती है उसको सूचना मिल जाती है, ये हमेशा ही होता है, तो ऐसे में इंतजार सभी को है कि किस किस को जो बुलावा राजभवन से आता है और वे अपने जो समर्थकों के साथ वहां पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। लेकिन देखिए पहला जैसा अभी प्रोफेसर विदु रावल भी बता रहे थे, हालांकि प्रवक्ता का काम बिल्कुल उन्होंने बताया कि अंदर की बात वो नहीं बताते हैं, केवल बाहरी जो है वो बातें करते हैं और जो सूझवान वाले सूझबूझ वाले प्रवक्ता होते हैं वो बिल्कुल ही चीजों को छुपाने में भी माहिर होते हैं। हाँ। तो ऐसा है, बनी हुई बात है, लेकिन यह तय है कि देखिए पहले शपथ मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी लेंगे, उसके उनके साथ साथ किस किस का नाम है अभी वो बिल्कुल भी किसी की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और अभी किसी के पास फोन आया है वो भी इस तरह की सूचनाएं नहीं मिल रही है। अगर किसी के पास फोन भी आएगा तो वो सीधे पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के अप्रत्याशित फैसले लिए जाते हैं, जिस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उसमें सभी लोग घबराते हैं कि आज फोन आया कल को थोड़ी देर बाद ही कोई फोन दूसरा नया आ जाए। तो ऐसे में यह देखिए यह छुपी रहेगी जब तक शपथ न ले ले, तब तक के लिए अपने जो अपने आप को छुपा के रखा जाता है ऐसी रहती है स्थिति, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में अभी देखिए किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, सिर्फ चर्चाएं कई तरह की हैं और जैसा हमने पहले भी कहा कि जातीय संतुलन और क्षेत्र संतुलन सब तरह के संतुलन साधने की कोशिश रहेगी, क्योंकि आगे चुनाव भी है और विपक्षी अभी से सवाल उठाने पर लगे हैं। ज्योति देखिए अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे संवाददाता से बातचीत जब कर रहे थे तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि जो यह बदलाव किया गया है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जो इतने 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, तो उसके जो उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, इस तरह की बातें वो करेंगे। और निश्चित रूप से जैसे पंजाब की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी एक बदलाव किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, चन्नी के रूप में वो लाए थे चेहरा बदलकर लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हर जगह ऐसे प्रयोग कामयाब न हो ऐसा नहीं लगता, भाजपा ने जब भी प्रयोग किया है उनका प्रयोग सफल हुआ है और दूसरे लोग उसको अनुसरण करते हुए उसका अनुकरण करते हुए दिखाई दिए हैं, अलग अलग प्रदेशों में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली है। देखिए शुरू में ऐसा लग रहा था राजस्थान में भजनलाल सरकार को जब उन्हें चौथी लाइन में बैठे थे और पहली लाइन पर भजनलाल शर्मा को लाकर बिठा दिया गया तो एक तरह से प्रयोग ही था। देखिए जो वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता थी
उन्हें एकाएक पीछे कर दिया गया, शिवराज चौहान को पीछे कर दिया गया, मोहनलाल यादव को आगे ले आए गए, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ। तो इस तरह के प्रयोग जो नए नए किए जाते हैं, उत्तराखंड में प्रयोग किया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया और वापस से जो है इतिहास बदलते हुए भाजपा वहां रिपीट कर गई। हाँ। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि एंटीक इनकम्बेंसी वाला जो बातें हैं वो उतना देखिए, अभी भी मैं कहता हूं कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। विपक्ष को अपनी जो सीटें हैं उनको बचाने के लिए और अपने लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए, कांग्रेस की बात है वहां पहले से ही गुटबाजी, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जेजेपी में जिस प्रकार की भगदड़ मच रही है, जो जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थितियां जो है दूसरे दलों में बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है ज्योति। बिल्कुल हाँ, गुटबाजी तो है दूसरे दलों में। विधु जी, निर्दलीय विधायक हैं जिनका शुरुआत से ही पहले दिन से आप लोगों की सरकार को, बीजेपी को समर्थन रहा के, बिना किसी शर्त के रहा के, क्या कोई मान सम्मान, कोई इनाम मिल सकता है आज नए कैबिनेट में, कोई संभावना? देखिए, हरियाणा की विकास यात्रा में जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को जोड़ा रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने भी जो है इस विकास यात्रा में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जब कभी भी हरियाणा का इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास के साथ साथ जिस प्रकार से इस कालखंड का जिक्र होगा, किस प्रकार से हम हरियाणा को डूबती हुई कश्ती जब कहा जाता था, वहां से उठाकर आज सबसे तेज दौड़ने वाला जहाज बनाया हुआ, उसमें उनका भी एक योगदान बड़ा अच्छा रहा है। हरियाणा भर उनका ऋणी है कि उन्होंने किस प्रकार से एक बहुत अच्छी ईमानदार सरकार को, गरीब की चिंता करने वाली सरकार को, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार के साथ वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। ऑल वेदर्स में किस प्रकार से हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए इस पूरे दो तीन चार साल के समय हमने देखा है, उसके बावजूद भी वो चट्टान के रूप में किस प्रकार रहे, हर प्रकार के षड्यंत्रों को पार किया। हाँ। तो निश्चित तौर पर जो है ये अपने आप में एक संतोष तो उनको जरूर दे, उनकी आज अपनी अपने खुद के क्षेत्र में बहुत अच्छी एक एक रेपुटेशन बनी हुई है, जनता उनको सराहती है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कभी कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़े कद के साथ वो आज नेता बनकर उभरे हैं। अभी आगे उनको किस प्रकार से, अगर आप मंत्रिमंडल की बात कह रही हैं तो वो अगेन प्रेरोगेटिव जो है उसका इंतजार अभी करना होगा, वो सीएम साहब करेंगे उसे डिसाइड। अभय चौटाला ट्वीट कर रहे हैं, अभय चौटाला की ओर से लिखा गया कि अमित गद्दारी हो जिसकी बुनियाद, अंजामी मीनार होना ही था बर्बाद। तो ये सीधा सीधा दुष्यंत चौटाला पर, अजय परिवार पर निशाना। मुझे टिप्पणी करनी है, नहीं नहीं, अमित से बात कर रहे हैं की शेरो शायरी आज अभी तो, बल्कि लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि दुष्यंत की शायरी क्या आती है, इस बात का भी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, सबसे अहम बात है कि जब से दुष्यंत गए हैं, और पहले ब्रिजेंद्र गए तब दुष्यंत ने अपना ट्वीट किया था और शायराना अंदाज में। हाँ। अब दुष्यंत गए तो ब्रिजेंद्र ने कर दिया कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से, तो इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। और अब अभय सिंह चौटाला का भी आ रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला तो देखिए शुरू से ही हमलावर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी, देखिए दुष्यंत चौटाला के लिए एमपी के रूप में अगर लॉटरी लगी थी हिसार से, तो वो जननायक जनता पार्टी से नहीं लगी थी, वो इनेलो के एक सिपाही के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय पार्टी संयुक्त थी और उन्होंने चुनाव जीता, इसमें कोई दो राय नहीं, वे सांसद का चुनाव जीत गए थे। लेकिन जब वे जननायक जनता पार्टी से उतरे, उस समय 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने अब शायराना अंदाज में उन पर हमला बोला है, और पहले भी विधानसभा में उनकी तल्ख अंदाज उनके देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में देखिए आज इनेलो के लिए भी निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, न केवल नायब सिंह सैनी के लिए, न केवल संजय भाटिया के लिए, और साथ साथ देखिए अभय सिंह चौटाला के लिए भी, जो लगातार हमलावर थे, आज उन्हें एक और तीखा हमला बोलने का मौका मिल गया है। और जैसा मैंने पहले कहा ज्योति, कि जिस अंदाज में वो बात किया करते थे दुष्यंत चौटाला की, चौधरी देवीलाल की छवि, उनके कार्यकर्ता कहते थे चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फैसला कभी लिया नहीं जिसमें उनकी छवि दिखाई देती हो, या किसान आंदोलन में उन्होंने कोई बड़ा कदम उठा लिया होता, तो शायद वो इज्जत आज वो आज जिस प्रकार की स्थिति में है वो उस स्थिति में ना रहते, वो समय भी बहुत बचता। उस समय किसान आंदोलन के दौरान जो 3 कृषि कानून थे वो वापस ले लिए, उनके उसमें मजबूती मिलती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसे में एक बार फिर अभय सिंह चौटाला को हमला तेज करने का एक बड़ा मौका दुष्यंत चौटाला पर मिल गया है। लेकिन यह अलग बात है कि वो अपनी राजनीति को, अभय सिंह चौटाला, वो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाते, ये देखने वाली बात होगी। जी जी ज्योति बिल्कुल। विधु जी,
आते हैं आपके पास एक बड़ी बड़ी खबर से हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं इस वक्त। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, उसके बाद फौरन लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। लगातार आज के इस बड़े उलटफेर से जुड़ी चर्चा को हम जारी रखेंगे, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो आज देखिए सबसे सबसे बड़ा घमासान आज ही देखा गया कि गठबंधन तो टूटा ही, मंत्रिमंडल भी नया मिलने जा रहा है, लेकिन हरियाणा को सीएम भी